कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लो कैफी वादी में सैर तफरी पर आने वाले लोगों के लिए कशिश का मरकज बन गया है। बर्फ से बना कैफी एशिया का सबसे बड़ा इग्लो कैफी है जो यहाँ स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग में वाका है। कैफी के दिलकश मनाजिर सयाहों और आम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। भारत में सबसे पहले इग्लो कैफी एक किस्म का तजुर्बा है और आइस रेस्टोरेंट लोगों के दिल जीत रहा है। आइस इग्लो कैफी बनाने वाले अफराद का कहना है कि हम यहाँ मेहमानों के मुनफरिद रिहाइश के साथ साथ मुनफरिद अंदाज में उनकी खिदमत भी करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि सयाह इस आइस इग्लो को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जबकि ये नई कशिश इग्लो कैफी गुलमर्ग में सेल्फी पॉइंट बन गया है। मैं सैयद वसीम शाह हूँ, तो मैं इस इग्लो का क्रिएटर हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्विट्ज़रलैंड में 2-3 साल पहले देखा था। वहाँ पे इनके होटल्स भी होते हैं, वहाँ पे सोने की फैसिलिटीज़ भी होती हैं। यही कॉन्सेप्ट लेके मैं ये इधर गुलमर्ग आया। मैंने सोचा हमारे यहाँ बहुत बर्फ़ होती है, तो वाई नॉट आई स्टार्ट अ कॉन्सेप्ट हियर। लास्ट ईयर मैंने एशिया का बिगेस्ट बनाया इग्लू कैफ़े, और इस साल इंशाल्लाह वर्ल्ड का मैंने हाईएस्ट बनाया। इसकी जो हाइट है 37.5 फीट है और इसका डायमीटर 44.50 फीट है। ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो स्विट्ज़रलैंड में सबसे बिगेस्ट इग्लू है, उसकी जो हाइट है 33.80 और विड्थ जो डायमीटर उसका है 42.40 है। तो उससे माशाल्लाह हमने 3 to 4 फीट बड़ा ही बनाया है। इस लास्ट ईयर जो हमने बनाया था उसमें 4 टेबल थे, 16 बंदे एट अ टाइम 16 लोग खाना पीना कर सकते थे। इस बार हमने 10 टेबल प्लेस किए हैं और इसको हमने 2 स्टेप्स में बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हैं, तो जो प्रिवेसी के लिए हमने ऊपर वाले हिस्से में टेबल्स बिछाए हैं जहाँ पे 40 लोग एट अ टाइम खाना पीना कर सकते हैं। इसको टोटल 64 डेज लगे, 25 पीपल थे जो काम कर रहे थे दिन रात, 1700 बंदे लगे हैं टोटल, 1700 लेबर लगा है अभी तक जो इसको पाई तकमील तक पहुंचाने के जी। 15 मार्च तक ये टिकना चाहिए, बाद हम ये बंद कर देंगे पब्लिक के लिए। माय नेम इज़ मोइन, और मैंने इसमें थोड़ा हाथ बटाया है इस इग्लू की इमारत करने में। माशाल्लाह द फिश, एज यू सी द फिश हेयर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट वेरी प्रिटी विद द गिल्स एंड ऑल, and it has taken me a lot of time and effort too, and Mr. Wasim ki madad se we have made it all, the carving and all is done by Mr. Wasim and me, and Mr. Khurshid right here, he's there, he's our main guy, and our Mr. brother here. So mashallah, it's a beautiful feeling to have this big igloo in our Gulmarg here, and it's a pleasure that people will see this, and I'm just in awe. Thank you everyone, good experience. शॉल बनाओ मजबूर माय नेम इज़ खुर्शीद, हम श्रीनगर में रहते हैं। हमने इसमें हाथ बटाया है और हमने ये काम हाथों से किया है। 40-45 मजदूर इसमें दिन रात काम करते थे, और ये बहुत ही चौड़ा बनाया हमने, और नीचे से ऊपर तक हमने कंप्लीट करके इनको दिया है। अपने भाई लाइफ तो चाहिए।
दोस्तों क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।